तो सबसे पहले क्या ले लेते हैं, हमारा जो फर्स्ट एरे है यहाँ पे क्या कर लेंगे गाइस, वैल्यू फेच कर लेंगे। ओके, जीरो उस पे हमें क्या करनी है, एक डबल वैल्यू सेट करनी है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, डबल ले लिया है। और सिंपल इसे सेट करने के लिए डबल टू लॉन्ग ब्रेस यूज करेंगे, बट इसे क्या कहते हैं गाइस, नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि ये, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, लॉन्ग ब्रेस टू डबल यूज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या देनी है हमें, लॉन्ग ब्रेस देनी है। तो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसके थ्रू हम ले लेंगे, और क्या लेंगे हम यहाँ पे, एक की एंड वैल्यू पेयर लेंगे। तो ये आ गया हमारा की एंड वैल्यू पेयर। और यहाँ पे सिंपल क्या पास करवा देंगे, पहले बार हमें लेटिट्यूड पास करवाना है, एंड सेम जैसे गाइस हमने ऊपर इसकी वैल्यू चेंज करी थी, सेम यहाँ पे भी वही कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर देंगे हम, डबल कर देंगे, डबल डॉट डबल टू रॉ लॉन्ग बेड्स। और क्या पास कर देंगे इसमें, इसमें पास कर देंगे सिंपल डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट्स। ये आ गए हमारे ये, फिर हमारा दूसरे प्रेफर्ड कोऑर्डिनेट्स आ गए, जो हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं गाइस, दे चुके हैं, राइट। डबल डॉट लॉन्ग बेस्ट टू डबल एस पी, सेम चीज है गाइस, गेट लॉन्ग। प्रेफर्ड कौन सा देना है हमें, यहाँ पे देना है प्रेफर्ड लॉन्ग हमें। एंड फिर सेम चीज है, हमें यहाँ पे डबल करके डबल टू रॉ लॉन्ग बेस्ट। एंड यहाँ पे भी डिफॉल्ट क्या दे देंगे, 0.0। ओके, एंड बेसिकली अगर आप ये वाले कोऑर्डिनेट्स बाय डिफॉल्ट देखोगे गाइस, तो एक ओशन में ये कोऑर्डिनेट्स खुलेंगे हमारे बाय डिफॉल्ट, जो क्या साउथ अफ्रीका के, आई थिंक कहीं साउथ में है। तो ये क्या हो गए, हमारे कोऑर्डिनेट सेट हो गए हैं। और सिंपल क्या दे देंगे गाइस, हम इसे रिटर्न कर देंगे, रिटर्न प्रेफर्ड कोऑर्डिनेट्स। ओके, अब गाइस आई नो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ज्यादा वैसे हमने यहाँ पे कुछ किया नहीं है, सिंपल जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है। क्योंकि गाइस ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बहुत डिटेल में बता चुके हैं कि कैसे हम रिफ्लेक्ट करवाते हैं चेंजेस, राइट। जो हमारा प्रेफरेंस वाला पार्ट था पूरा, उसमें मैंने बहुत डिटेल में ये चीज सेट करनी सिखाई थी आपको, कि कैसे हमें एरे टाइप में जो, जब कोई लिस्ट वाली वो होती है, राइट, तो हम कैसे उसे एरे टाइप के उसमें लेके उसकी वैल्यू सेट करवाते हैं, और कैसे हम उसे क्या करते हैं। बस यहाँ पे चेंज क्या हो गया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप जो यहाँ पे हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रेफरेंस, शेयर प्रेफरेंस है, राइट, उसमें हम डबल टाइप की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं। तो बस हमने इसे एक तो यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ा अब बाहर, फिर उसके बाद हमें अंदर भी कन्वर्ट करना पड़ा। बस ये चीज है, पहले कोर्सेज में क्या हो रहा था, सिंपल हम ऑब्जेक्ट लेते थे शेयर प्रेफरेंस का और उससे हम इनपुट कर देते थे। यहाँ पे सिंपल क्या है, एक बस एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गया है किसका, उसे कन्वर्जन का। ओके, एंड हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, रिटर्न कर दिया है क्या, जो हमारे प्रेफर्ड कोऑर्डिनेट्स थे। तो ये कौन सा हो गया, हमारा हो गया जो लोकेशन वाले कोऑर्डिनेट्स हैं, प्रेफर्ड वाले वो चले गए हैं, सेट हो गए हैं। कन्फ्यूजन हो, आई नो हो सकता है गाइस, कोई इशू नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं है, इतनी सिंपल चीजें नहीं है। एंड अगर आपको नहीं भी आ रहा है, तो आई कैन गारंटी यू जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे गाइस, ये चीजें अभी आपको बहुत क्लियर होंगी, क्योंकि ये चीजें अभी इतनी बार प्रैक्टिस होनी है हमारी कि आप लोगों को बिल्कुल भी इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सिंपल अभी थोड़ा सा स्टार्टिंग का है, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट अभी प्रेफरेंस स्क्रीन वाले नए हैं, थोड़े से सेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, कि कौन सी चीज कहाँ आ रही है, कौन सी वैल्यू कहाँ सेट हो रही है। बट जैसे गाइस हमने क्या देखा था, अडेप्टर का मैंने आपको बताया था कि अडेप्टर क्या होता है, एक सोर्स कोड होता है उसका, जहाँ से सोर्स लेता है, एक उसका मैनेज करता है, एक जावा कोड होगा जो मैनेज करेगा अडेप्टर को, अडेप्टर एक जगह से वैल्यू देगा, दूसरी जगह शो करवाएगा, राइट। तो सिंपल ही लॉजिक इसमें भी होता है शेयर्ड प्रेफरेंस में, कहीं और से वैल्यू ले रहा है, स्टोर कहीं और कर रहा है, दे कहीं और रहा है, की वैल्यू पेयर अलग है, स्टोर कहीं और हो रही है, सेम लॉजिक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। अब ये हो गया हमारा कौन सा, गेट लोकेशन कोऑर्डिनेट्स वाला मेथड। अब चलते हैं अपना कि ये चेक करने के लिए कि हमारी क्या लोकेशन, लैटिट्यूड जो लोकेशन है वो अवेलेबल है या नहीं। एंड एक चीज और गाइस, जो हमारे यहाँ पे दोनों ये मेथड थे, कौन से, गेट गेट डिफॉल्ट वेदर लोकेशन एंड डिफॉल्ट वेदर कोऑर्डिनेट्स, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी क्या कर रखा है, इसे सेट कर दिया। तो अब इसे क्या कर देंगे हम, डिलीट कर देंगे। इसका रिटर्न फॉल्स भी फिलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हम क्या अपना अलग कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। अब फिर से गाइस हमारा सेम ही चीज है, हमें शेयर्ड प्रेफरेंस के थ्रू चाहिए, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, शेयर्ड प्रेफरेंसेस ले लेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। एंड यहाँ पे हम सिंपल प्रेफरेंस मैनेजर में जाके गेट शेयर प्रेफरेंस, डिफॉल्ट शेयर प्रेफरेंस में सिंपल क्या दे देंगे हम, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवा देंगे, राइट। ये तो गाइस अब बहुत सिंपल स्टेप हो चुका है, होपफुली आप लोगों को ये चीज तो अब याद हो गई होगी कि कैसे हम एक्सेस करते हैं जो हमारी डिफॉल्ट क्या होती है, प्रेफरेंस स्क्रीन्स होती हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या कर देते हैं गाइस, बुलियन टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ ताकि वैल्यू स्टोर कर सकूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, बुलियन टाइप की, ये चेक करवाना है या नहीं, राइट। तो उसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए, ट्रू या फॉल्स में चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए कि जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है उसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अवेलेबल है या नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या ले लूंगा, कंटेन
लैटिट्यूड, ओके। और यहाँ पे सिंपल क्या यूज कर लेंगे हम, कंटेन यूज कर लेंगे, और यहाँ पे क्या दे देंगे अपना प्रेफरेंस कोऑर्डिनेट की दे देंगे। फिर एक दूसरा वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे, जो क्या करेगा, कौन सी वैल्यू स्टोर करेगा, कंटेन करेगा किसकी, लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड यहाँ पे क्या आ गया, हमारा लॉन्गिट्यूड आ गया। एंड इसको भी चेक करवा लेते हैं कि जो हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस है क्या वो कंटेन करता है किसको, प्रेफरेंस लॉन्गिट्यूड आएगा गाइज यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया हमारा लॉन्गिट्यूड। अब गाइज ये तो दोनों हमारे वेरिएबल हैं, अगर होगी यहाँ पे वैल्यू तो ये क्या हो जाएगी, ट्रू आ जाएंगे दोनों के अंदर, वरना गाइज क्या दे देगा ये हमारी क्या रिटर्न कर देगा, वैल्यू फॉल्स रिटर्न कर देगा, राइट। अब ये तो हमारे दो कोऑर्डिनेट्स हुए जिसमें चेक करेंगे गाइज कि हमारी वैल्यू ट्रू आ रही है या नहीं। एक और वेरिएबल यहाँ पे सेट कर लेते हैं जिसकी क्या इनिशियल वैल्यू, जिसे हम रिटर्न करेंगे इनिशियल वैल्यू हम क्या कर देते हैं, उसकी फॉल्स सेट करते हैं। अगर हमारी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या हुई, ट्रू हुई, तो उसको क्या कर देंगे हम, उसकी स्टेट चेंज करके ट्रू कर देंगे, रिटर्न कर देंगे उसे ट्रू, वरना अगर वो चेंज नहीं होती है तो वो क्या रिटर्न होगी, फॉल्स। तो ये इंप्लीमेंट कर देते हैं गाइस। तो यहाँ पे सिंपल ऐसे कह देते हैं sp contain both latitude and longitude ट्यूड, और इसको क्या सेट कर देते हैं गाइस, सिंपल फॉल्स सेट कर देते हैं, राइट। जैसे मैंने कहा इसकी इनिशियल वैल्यू गाइस क्या कर दी हमने, यहाँ पे बोथ में एल्टीट्यूड की स्पेलिंग गलत हो गई, और एल्टीट्यूड नहीं लैटिट्यूड होगा ये। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा लैटिट्यूड। एंड तो बेसिकली गाइस मैंने क्या कहा यहाँ पे, ये क्या हो गया, इनिशियल वैल्यू हमने क्या कर दी, सेट कर दी। अब क्या कर देते हैं, कंडीशन ऑपरेटर चेक लगा देते हैं, एंड इसमें चेक करवा देते हैं क्या जो हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड था वो ट्रू है या फॉल्स है, राइट। तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमारी क्या आ गई, एसपी कंटेन्स लैटिट्यूड आ गई, और यहाँ पे क्या यूज करेंगे गाइस, एंड ऑपरेटर यूज करेंगे, और दूसरा कौन सा है हमारा, लॉन्गिट्यूड का। अगर ये ट्रू हुई तो जो हमारी एसपी कंटेन बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है वो क्या हो जाए यहाँ पे, ट्रू हो जाए। अब गाइस यहाँ पे हुआ क्या है, मैंने यहाँ पे चेक करवा लिया कि जो मेरी कंटेन लैटिट्यूड और लैटिट्यूड है, अगर यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक चीज फॉल्स हो जाएगी तो एंड ऑपरेटर हमारा क्या कहता है, अगर एक भी चीज फॉल्स हो गई तो पूरी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। एंड इफ कंडीशन कभी रन नहीं होगी, और सिंपल हम क्या कर देंगे यहाँ पे, रिटर्न कर देंगे एसपी कंटेन बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, राइट। तो इससे क्या होगा गाइज, अगर ये हमारी इफ वाली कंडीशन नहीं चलेगी तो सिंपल हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स चला जाएगा। एंड यहाँ पे हमारा क्या है, इज लॉन्गिट्यूड लोकेशन लैटिट्यूड अवेलेबल, लॉन्गिट्यूड अवेलेबल, तो यहाँ पे क्या चला जाएगा फॉल्स चला जाएगा। एंड बेसिकली क्या हो गया कि हमारे पास नहीं है अवेलेबल। अब अगर हमारे पास लैटिट्यूड भी और लॉन्गिट्यूड भी अवेलेबल है तो दोनों की कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और जो इफ के अंदर कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो वो इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा गाइस, जो हमारी दोनों लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड था उसकी कंडीशन क्या सेट हो गई, यहाँ पे थी फॉल्स सेट, यहाँ पे क्या सेट हो गई, ट्रू हो गई। और रिटर्न जब जाएगा तो अब क्या जाएगी, यहाँ पे ट्रू वैल्यू चली जाएगी। एंड यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा क्या, लॉजिक। तो यहाँ पे गाइस कंप्लीट हो गया एक हमारा पार्ट, ये वाला हमारा लोकेशन अवेलेबल भी क्रिएट हो गया, लोकेशन कोऑर्डिनेट्स भी पूरा सही हो गया है। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कोई एरर नहीं है, कहीं पे कोई एरर नहीं आ रही है। तो फिलहाल गाइस यहाँ पे क्योंकि अभी हमने चेंजेस करे हैं तो गाइस कई जगह एरर आ सकती है, ऐसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नहीं आएगी, क्योंकि कई चीजें अभी हमने क्या करनी है, फिक्स करनी है इसमें, ओके। अब इसके बाद गाइस थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ तक आ गया, अब ये तो हो गया गाइस हमारा क्या, जो हमारे छोटे छोटे चेंजेस थे जो प्रेफरेंसेस में और जो हमारी मेन एक्टिविटी के बाद चेंज हुए थे, राइट। अब गाइस ये वाला जो हमने रिसेट वाला चेंज करा है, राइट, जो मेथड्स हमने ऐड करे हैं इसको अभी हमने शेयर्ड प्रेफरेंस पे लगाए नहीं है, मतलब इन ये अगर आप देखोगे इन वाले मेथड्स के जो मैंने अभी बंद करे थे, ये वाले हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस में अगर आप देखो तो ये वाले हमारे जो मेथड है, जैसे ऑन रिसेट वाला मेथड है, राइट, तो ये अभी क्या नहीं हो रहा, यूज नहीं हो रहा, राइट, ये क्या फेड आउट हुआ हुआ है। लोकेशन डिटेल भी अभी हमारा यूज नहीं हो रहा, तो अब क्या कर लेते हैं, इन वाले मेथड्स को सेट भी कर देते हैं ताकि हम क्या करें, इसको एक पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये गाइस हमारे कहाँ इंप्लीमेंट होंगे, अगर आपको याद हो हमारे जो सेटिंग फ्रेगमेंट था इसमें हमने क्या लगा रखी थी, अपनी प्रेफरेंस क्रिएट करी थी, राइट, समरी क्रिएट करी थी। एंड यहाँ पे अगर आप देखो गाइस हमारी वैल्यू पेयर जा रहे थे, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना गाइस देना, मतलब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमारी स्ट्रिंग की है, राइट, ये इस वक्त क्या हो रही है, ये क्या दिखा रहा है,
की इज नेवर यूज्ड, क्यों? क्योंकि जो हमने की के प्रेफरेंसेस थे सारे चेंज कर दिए हैं, अब हमें इसकी की की जरूरत नहीं है. ओके, क्योंकि हम पहले क्या कर रहे थे, आइडेंटिफाई कर रहे थे की की हेल्प से. तो मैं इस लाइन को क्या कर दूंगा, सिंपल डिलीट कर दूंगा, मुझे इसकी अब जरूरत नहीं है. एंड क्योंकि इसका कहीं यूज भी नहीं हो रहा, तो गाइज हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अब आगे. अब गाइज इसमें तो ये वाले जो हमारे जो लॉजिक थे, ये तो हमारे प्रेफरेंस समरी के थे, ये सब तो हमारे ऑलरेडी सेट है. लेकिन जो हमारे ऑन प्रेफरेंस चेंज्ड है, ऑन प्रेफरेंस चेंज पे जो हमारा लॉजिक है वो क्या हो गया, अब हमारा अलग हो चुका है. क्योंकि यहाँ पे जो हम की है अब की से फाइंड नहीं कर रहे हैं, ये वाला अब हम यहाँ पे सिंपल क्या कर रहे हैं, चेकबॉक्स फाइंड कर रहे हैं, राइट. तो गाइज ये वाली जो चीज है हमारी, ये क्या हो गई, सेकेंडरी हो गई है, राइट. तो इसे क्या कर लेंगे, फिलहाल हम क्या करेंगे, इसे यूज नहीं करेंगे, मतलब सेकेंडरी उस पर यूज करेंगे. पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी क्या एक्टिविटी में चेंज हुआ है. ओके, तो यहाँ पे क्या एक ले लेंगे, एक्टिविटी ले लेंगे हम सिंपल. तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या आ गई है, एक्टिविटी आ गई है. तो इस चीज का गाइस ध्यान रखना, जो हमारी एक्टिविटी होती है वो हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पे सिंपल हम क्या कर सकते हैं, गेट एक्टिविटी यूज कर सकते हैं. एंड यहाँ पे हम एक्टिविटी को क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक प्रेफरेंस क्या करना है, एक विंडो पॉपअप करवानी है कि अगर प्रेफरेंस हमारा चेंज हुआ है तो. क्योंकि रिसेट पे गाइस एक हमारी अलग से एक्टिविटी स्टार्ट होगी, राइट. तो यहाँ पे हमने इसलिए वो लिया है, अभी आपको समझ में आ जाएगा जब इम्प्लीमेंट करेंगे. ओके, तो यहाँ पे एक क्या करेंगे, इफ कंडीशनल ऑपरेटर ले लेंगे अपना, और यहाँ पे क्या चेक करवा लेंगे कि की क्या है, इक्वल है किसके, गेट स्ट्रिंग, जो हमारी गाइस क्या है, स्ट्रिंग में प्रेफरेंस की है, प्रेफरेंस लोकेशन की है. ओके, ये चेक करवा लेंगे कि ये लोकेशन की ही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, लोकेशन में चेंज कर रहे हैं गाइस. ओके, तो सबसे पहले हमें क्या चेंज चेक करवाना है कि जो हमारी की है वो मैच कर रही है प्रेफरेंस लोकेशन वाली की से. क्योंकि हमें क्या चाहिए, लोकेशन वाली एंट्री में एक्सेस चाहिए, ये नहीं चाहिए हम किसी भी उसमें चले जाएं. क्योंकि यहाँ पे जो नीचे वाली प्रेफरेंस मैंने क्यों मना करा गाइस, क्योंकि यहाँ पे प्रेफरेंस में क्या कर रहे हैं, हम खाली सेट कर रहे हैं किसकी लोकेशन वाले है उस पर, की एंड वैल्यू पेयर लेके प्रेफरेंस में फाइंड की करके हम सेट कर दे रहे हैं. बस ये चेक कर रहे हैं कि चेकबॉक्स प्रेफरेंस तो नहीं थे, ये वाले कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ. यहाँ पे सिंपल क्या चेक कर रहे थे कि चेकबॉक्स प्रेफरेंस को छोड़ के अगर कोई प्रेफरेंस है तो उस पर सेट हो जाए ये वाला, राइट. अब लेकिन हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए कि अगर कोई पुरानी प्रेफरेंस, क्योंकि अब तो गाइस हमने चेंजेस कर दिए अपने प्रेफरेंसेस में, अब हमारा ये वाला लॉजिक नहीं है कि मुझे प्रेफरेंस फाइंड करनी है वो अपने आप. अब क्या है गाइस, इंडिविजुअल हमने मेथड क्रिएट हेल्पर मेथड हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक फंक्शनैलिटी के लिए. आप कह सकते हो कि जो प्रेफरेंस हमारा काम था वो अब हम इंडिविजुअल ना करके हमने उसके लिए हर चीज के लिए एक क्या क्रिएट कर दिया, हेल्पर मेथड क्रिएट कर दिया है. तो अभी उसका ही हम क्या यूज करेंगे, उसका यूज करेंगे जो हमने मेथड्स क्रिएट करे हैं.